नमस्कार दोस्तों, आज इंटरनेशनल यूथ डे है तो आप सबको हैप्पी हैप्पी आपका इंटरनेशनल यूथ डे। आपका युवा होने का आज जश्न मनाने का दिवस है। तो आज मेरे भी कुछ बात है, मैं भी एक युवा हूँ और युवा से कुछ बात करना चाहता है। समाज में हम जितने भी व्यक्ति रहते हैं, जितने भी इंसान, हर व्यक्ति का एक पड़ाव होता है, युवा का पड़ाव। उस पड़ाव में, युवा का पड़ाव मतलब शारीरिक रूप से आप कह सकते हो कि 15 साल से 30 साल, या कोई व्यक्ति अपने आप को मानसिक रूप से भी युवा मान सकता है, जो वृद्ध भी हो कि मैं जवान हूँ। तो शारीरिक रूप से भी जब हम युवा होते हैं, उस वक्त भी जब हम समाज में रहते हैं, तो हम पाते हैं कि बहुत सारे ऐसे नियम होते हैं समाज के, परिवार में, जो पुरानी पीढ़ी ने अपने जीवन का जो तरीका होता है उसके लिए उन्होंने निर्माण किया होता है। पर वो सारे नियम एक युवा व्यक्ति जिस तरीके से अपने जीवन के आनंद को, जीवन के हर गुण को, जीवन के हर आयाम को जीना चाहता है, उसके लिए बंधन जैसा महसूस करता है समाज में। इसलिए वो कहीं ना कहीं कुछ क्रांति करता है, कुछ प्रश्न करता है, कहीं ना कहीं समाज से हट के, समाज के विपरीत कुछ करता है। विपरीत कुछ होता नहीं है, वो अपने मन की जो अपनी ऊर्जा जो कहती है, जो सही करने के लिए, वो सिर्फ वो करता है। कोई प्रेम में पड़ता है युवा अवस्था में, कोई बाहर घूमने जाता है किसी को बिना बताए, कोई किसी के साथ कोई झगड़ा भी कर लेता है। बहुत सारे ऐसे कृत्य होते हैं जो एक युवा करता है, जो समाज विपरीत उसको बोला जा सकता है। मैंने भी किया है, आपने भी किया है, जितने भी आप में से अभी आप युवा हो या उस युवा की अवस्था से आप गुजरे हो, आप सभी ने किया है किसी ना किसी स्तर पे। परिवार के खिलाफ कहीं ना कहीं तो आवाज उठाई होगी आपने, कुछ ऐसे कृत्य किए होंगे जो आपके परिवारजन को अच्छा नहीं लगा होगा, पर वो कृत्य आपके मन के लिए, आपके आनंद के लिए आपको लगा होगा कि ये करना जरूरी है या अनिवार्य है, इसलिए आपने किया। पर जब उम्र बढ़ती जाती है, जीवन और आप समय में आगे बढ़ते हो, तो धीरे धीरे ये ऊर्जा, ये क्रांतिकारी भाव, ये प्रश्न करने का स्वभाव, ये कुछ अलग करने का आपका ढंग खो जाता है। धीरे धीरे आप भी जब 40-50 साल के हो जाते हो, तो आप भूल जाते हो कि आप अपने आनंद के लिए कुछ अलग किया था। आप भी उसी समाज के नियम बनाने के संरचना का एक हिस्सा बन जाते हो। आप भी बंधन निर्माण करते हो समाज की सिक्योरिटी के लिए, कहो या किसी भी कारण से, आप डर के लिए, भय के लिए समाज निर्माण करता है कि वो संरचना बिगड़ ना जाए। और आपका ही कोई बेटा, आपकी आगे की पीढ़ी आपको फिर प्रश्न करेगी, तो ये होता क्यों है? इसी को बताने के लिए मैं YouTube में, Facebook में, Instagram में, कहीं भी मैं कुछ बात हर दिन कुछ कहने की कोशिश करता हूँ, युवा से युवा तक, ताकि आप जो अभी युवा हो, जितने भी लोग, वो जान जाए कि किस कारण ये होता। और उसका कारण सिर्फ एक है, वो है समाज से आपको मिली सारी एम्बिशंस, सारी चाह, सारी महत्वाकांक्षा है, जो आपको लगता है कि वो आपकी अपनी है, आपको लगता है कि वो आपका पैशन है, प्रोफेशन है, कुछ कर्म करके अलग ढंग से आप सबकी, युवा की जीने की आकांक्षाएं होती है। मेरे भी दोस्तों की है, मैं अभी 22-23 साल की उम्र का हूँ, मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं, वो समाज में रह के ही
अपने महत्वाकांक्षा के साथ अलग तरीके से अपने आनंद को जीने की कोशिश कर रहे हैं। पर मैं उन सबको मैंने बहुत बार कहा है कि धीरे धीरे तुम भी इस समाज के भय के, इस संरचना के, इस बंधन जो बनाने का ये एक मैकेनिज्म है, इसका हिस्सा बन जाओगे और तुम खुद के लिए और दूसरों के लिए नर्क निर्माण करोगे। क्योंकि जब आप अपनी महत्वाकांक्षा के लिए, अपने एम्बिशन के लिए समाज में अलग ढंग से कुछ करने निकल पड़ते हो, आप या तो बिजनेस करते होंगे, या तो आप फैशन डिजाइनर होंगे नए ढंग के, या तो कुछ आप समाज में कर रहे हो, उसमें आप पैसा कमाओगे, प्रसिद्धि होगी धीरे धीरे, उस पैसे से अपने लिए एक घर खरीदोगे, मकान खरीदोगे, गाड़ी खरीदोगे, आराम खरीदोगे। पर जब आपको लगता है कि मैं अपनी तरीके से जीवन जी रहा हूं, अपने आनंद को मैं खोने नहीं दे रहा, पर ये सारे कृत्य करते करते वक्त आपको समाज के साथ हाँ भरनी पड़ती है। महत्वाकांक्षी उड़ान में जो व्यक्ति आगे बढ़ता होता है और उसको लगता है कि मैं समाज के से अलग ढंग से मैं अपने ही कुछ करूंगा, उसको भी समाज के साथ हाँ राजी होना पड़ता है बहुत सारी चीज़ों में। जब एक युवा जो 22 साल या 20 साल का महत्वाकांक्षा के लिए अपना जीवन के साथ आगे बढ़ता है, वो 15-20 साल में उसके अंदर की सारी आनंद की संभावना खो जाती है। क्योंकि तब तक आपके पास प्रसिद्धि होगी, आपके साथ पैसा हो सकता है, पर तब आपको उस पैसे के साथ, उस शोहरत के साथ, उस प्रसिद्धि के साथ अपने मन को, अपने जीवन ऊर्जा को पूरी तरीके से प्रकट करते हुए बिना कुछ भय के आप जी नहीं पाओगे। जहां जहां आप समाज की तरीके से एक्सेप्ट करोगे और उस तरीके से एक्सेप्ट किए बिना आप समाज में कोई भी व्यक्ति प्रसिद्धि नहीं कमा सकता, धन इकट्ठा नहीं कर सकता, तो धीरे धीरे आप उस समाज का हिस्सा बन जाओगे। मैंने 2017 में सिर्फ यही बात मुझे रियलाइज हुआ था। मैं भी अपनी तरीके से कुछ बहुत बड़ा करना चाहता था, समाज से हट के भी, समाज में रहते हुए भी कुछ प्रसिद्धि, नाम, अपनी आनंद को फैलाना चाहता था। पर मैंने देखा कि मैं इस तरीके से आगे बढ़ता जाऊंगा तो 15-20 साल बाद मेरा भी हर्ष, मेरे मम्मी पापा या जो समाज में दिखाई देते हैं, जो खुद का और दूसरे का आनंद छीनते हैं, मैं उन सब जैसा बन ही जाऊंगा। क्योंकि उन 15-20 सालों में मुझे कितनी बार समाज के साथ राजी होना ही पड़ेगा, उनसे राजी हुए बिना मुझे नहीं लगा कि मैं वो शोहरत, वो पैसा, वो प्रसिद्धि कमा पाऊंगा। तो उसी क्षण मैंने उन सभी चीजों का त्याग किया 2017 में, और उसके बाद मैं जो जीवन जी रहा हूं, कोई व्यक्ति इसको संन्यास कह सकता है, कोई आध्यात्म कह सकता है, पर मैं सिर्फ एक साधारण जीवन जी रहा हूं, आनंद की, एक इंसान की, जिसमें किसी किस्म का बंधन नहीं है, जिसे किसी किस्म का भय या समाज से हाँ करने की कोई बात नहीं है। मैं सरल सहज जीवन जी रहा हूँ और इसमें बहुत आनंदित हूँ। पर मेरे बहुत सारे मित्र जब मेरे पोस्ट देखते हैं, सब जैसे आजकल फोटो डालते हैं अच्छे अच्छे स्माइल वाला कहीं पे, तो लगता है कि उनमें और मेरे मुझ में डिफरेंस नहीं है। हाँ नहीं है ज़्यादा, पर जो थोड़ा सा डिफरेंस है उसके कारण ही मेरे सारे मित्र, मेरे सारे युवा मित्र आने वाले 15-20 साल में सब लोग पछताएंगे, और मैं उस वक्त भी ऐसे ही आनंदित ही रहूंगा, सरल ही रहूंगा, सहज ही रहूंगा। मुझे जो भी मुझे करने की इच्छा होगी एक युवा की मन की, मैं करता रहूंगा, पर आप तब नहीं कर पाओगे।
आप वो सारे युवा के गुण प्रश्न करने का, भविष्य को देख के, भविष्य में जो होने वाली है उसको देख के अपने वर्तमान को परिवर्तन करने की जो साहस होता है, जो बुद्धि होती है, वो आप खो दोगे। अपने ऊर्जाओं को हर हर आयाम में फैलाने की जो एक इच्छा होती है, जहाँ कहीं भी जाना, जिस पूरे ब्रह्मांड को आप नापने की इच्छा होती है, घूमने की इच्छा होती है, इस पूरे धरती को पी लेने की, रस निचोड़ के तृप्त होने की इच्छा होती, वो आपकी खो जाएगी। और मैं चाहता हूं कि ऐसा ना हो आपके साथ, इसलिए प्रश्न करो, प्रश्न करते रहो, कुछ अलग हट के करते रहो, समाज के साथ कम से कम राजी होने की कोशिश करो। जहां जहां आप राजी होगे, वहां वहां समाज आपका गला घोटेगा, आपके आनंद की हत्या करने के लिए वो तैयार बैठा है। इंटरनेशनल युद्ध में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो आपकी युवा की गुण है, जीवन के कर्मों में, कृत्य में लिप्त होते हुए आप वो भूल मत जाना, क्योंकि इसी के साथ ही आनंद है, इसी के साथ ही जीवन जीने का मजा है। नहीं तो धीरे धीरे आप अपनी मस्तिष्क खो दोगे, बेहोशी छा जाएगी, आपका दिमाग डल पड़ जाएगा। और वृद्धावस्था में बहुत बूढ़े लोगों के साथ वही तो होता है, दिमाग डल पड़ जाता है। पर जो लोग अपने आप को मानसिक रूप से भी युवा कहते हैं, उनको एक बार आप देखोगे तो आप पाओगे कि उनके दिमाग वृद्ध होते हुए भी डल नहीं पड़ता, वो बहुत इंटरटेनिंग होते हैं, इंटरेस्टिंग होते हैं, कुछ ना कुछ नया युवा यौन ऊर्जा झलकने की चीज वो करते रहते हैं। और मैं चाहता हूं कि मेरी जो ऊर्जा है, मेरा जो आनंद है युवा होने का, वो आपका भी बना रहे। आज लग सकता है कि आपका वो आनंद है, क्योंकि 22-25 साल तक, 30 साल तक ये ज्यादा फर्क नहीं पड़ता आपके समाज के नियमों के साथ। अगर आप राजी भी होंगे थोड़ी देर, आपको लगता है कि आप आनंद जी रहे हो, पर धीरे धीरे समाज आप गला घोटने के लिए रस्सी और टाइट करता जाएगा धीरे धीरे। आज आप 22-23 साल की उम्र में जो आप फोटो डालते हो आनंद की, आपकी मुस्कुराहट की, कहीं घूमने की, कुछ करने की, देखना 7-8 साल में वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, और आने वाले 10-15 साल में वो समाज के बंधन में, जिम्मेदारियों में, वो जो कहता है उस तरीके से पूरा करने में आप धीरे धीरे भूलते जाओगे। 50 साल में की उम्र में आप और जो नई पीढ़ी होगी उसमें बहुत गैप पड़ जाएगा। आप भी कोई और जो युवा है उसको आप कहोगे कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, तुम उसकी युवा ऊर्जा को तुम बंधन में डालोगे और वो तुमसे फाइट करेगा। तो मैं नहीं चाहता कि कोई आपसे फाइट करे। तुम जब 50-60 साल के होंगे तो तुम तब के भी जो जवान होंगे उसके साथ भी तुम नाच सको, कुछ नया कर सको, नवीन वो ऊर्जा बनी रहे तुम्हारी। तो ये मैसेज जितने सारे युवा है भारत में, जो भी इंस्टाग्राम में, फेसबुक में वीडियो डालते हुए मस्त है, डांस की आजकल रील्स चलते हैं, टिकटॉक होती है, टाकटाक होता है, वो सब में आप मस्त रहते हो कि उसमें आपकी युवा ऊर्जा झलकती है, डांस कर रहे हो, कुछ नया कर रहे हो, रोमांटिक कर रहे हो, सेक्सी कर रहे हो। पर आप देखना, अगर आप उस तरीके से करते रहोगे ना, 5-10 साल में आपका चेहरा जैसे अभी मुस्कुरा है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, क्योंकि आप इतने वक्त तक प्रश्न नहीं करोगे। तो अगर आप इंस्टाग्राम में, फेसबुक में डांस भी करते हो ऐसे नए ट्रेंडों के साथ और अपनी ऊर्जा को प्रकट भी करते हो, तो उस वक्त भी प्रश्न करते रहना समाज के तर तरीके पे। क्रांतिकारी स्वभाव मत छोड़ना, कहीं भी समाज के साथ राजी मत होना। अगर आपने इतना कर लिया तो मैं सोचूंगा कि मेरा एक मित्र
मेरे साथ आगे की यात्रा कर रहा है। ये धरती हमेशा हरी ही रहेगी। आप इस धरती के आनंद के लिए एक विशेष व्यक्ति होंगे, इम्पोर्टेंट पर्सन होंगे। इसके लिए ये स्पिरिट बनाए रखो, प्रश्न करते रहो, यही हुआ का लक्षण है। भविष्य को देखो कि आज आप जो कर रहे हो जिस तरीके से महत्वाकांक्षा के साथ, एम्बिशन के साथ, आपको जो लगता है कि आनंदपूर्ण जीवन है, क्या वो सच में आने वाले समय तक आपको वो दे पाएगा समाज के तौर तरीकों के साथ राजी होते हुए? मेरा तो इसका निचोड़, मेरा तो इसका उत्तर एक ही है कि नहीं हो सकता, मैंने देख लिया। इसलिए मैं समाज छोड़ के मैं अपने तरीके का जीवन जी रहा हूँ सखा परिवार के साथ। ये समाज विपरीत जीवन है, हम बाहर की समाज की नहीं मानता हूँ मैं, ये सखा परिवार है। यहाँ सारे युवा ही है जो मरते दम तक, अगर 80 साल के भी होंगे, 90 साल की भी होंगे, तब तक हम युवा ही रहेंगे। और इस धरती से एक भी युवा कभी कम ना हो, मेरी ये आकांक्षा, ये इच्छा है, आपकी भी यही होगी। तो पहले अपने अंदर की युवा को बचाओ, उस ऊर्जा को बचाओ, और इस इंटरनेशनल यूथ डे को मनाओ। चाहते हो तो कर सकते हो, तो इस मैसेज को और लोगों के साथ शेयर करो। धन्यवाद।